हेलो गाइस, और स्वागत है आपका हमारे आज के हमारे यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी क्लासेस। मैं हूं अभिनव राय और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं साइंस का चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। सो गाइस, अगर मैं आपको आज मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक के बाहर पढ़ाने वाला हूँ, जो बुकिश नॉलेज से थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो, और वो वेरी और वो बहुत ब्रीफ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट होगा उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो डाउट मुझे टाइप कर सकते हैं, या तो मैं आपको वहाँ से वापस से आपको कमेंट कर दूंगा उसका आंसर, या आपका डाउट को सॉल्व करूँगा, नहीं तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस पर एक वीडियो बना लूँ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं। और इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में हाफ एक्सप्लेन कर दिया था, हाफ नहीं लेकिन थोड़ा कम एक्सप्लेन किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको क्विक रिवीजन कर दूंगा उस वीडियो के बारे में। सो गाइस, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के बारे में। सो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने फूड कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन मिल सके, राइट। सो गाइस, न्यूट्रिशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये बहुत टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। सो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो गाइस, कुछ प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं, विच मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इन प्लांट्स को हम कह सकते हैं वो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। हम ये इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इनके अंदर होते हैं क्लोरोफिल, जो रॉ मटेरियल्स को, मतलब रॉ मटेरियल्स जो रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं जाइलम के द्वारा, लीव में ट्रांसफर हो जाती हैं और वहाँ पर जाके इन सब का कार्बोहाइड्रेट में इन सबको ट्रांसफर कर दिया जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि प्लांट अपना एनर्जी प्रोवाइड कर सके, और इन सब से ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है इस फूड से। तो इन ये प्लांट्स जो होते हैं इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये खुद का न्यूट्रिशन बना सकते हैं बाय द रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट एवरीवेयर इन देयर सराउंडिंग्स, जैसे कि हम कह सकते हैं बैक्टीरियाज एंड ऑल द ग्रीन प्लांट्स। सो मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिसको हम कह सकते हैं ग्रीन पिगमेंट। सो वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो लीव जो होते हैं उसको ग्रीन कलर में भी कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं ग्रीन प्लांट्स। और गाइस, हम बैक्टीरिया को भी यहाँ पे ले सकते हैं, बैक्टीरियाज भी ऐसे ही करते हैं। तो हम आगे आते हैं, नेक्स्ट है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे प्लांट्स पर अपने फूड के लिए और भी बहुत, मतलब न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं हेटरोट्रॉप्स, यानी कि जो हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है अदर्स नरिशमेंट और ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट। सो जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरों के नरिशमेंट पे पूरा डिपेंडेंट रहते हैं और वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हम ह्यूमंस, एनिमल्स भी एक ऑटोट्रॉप ही हैं, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हम रॉ मटेरियल से हम फूड सिंथेसाइज कर ले, फूड बना ले। सो वी डोंट हैव एनी थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन मेक आर ओन फूड। सो इसलिए हम एक टाइप से हेटरोट्रॉप्स हुए। एक और इन हेटरोट्रॉप्स में हम फर्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, प्लांट्स का जो दूसरे से कैसे अपने न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कैस्क्यूटा, ये कैस्क्यूटा को हम कह सकते हैं अमर बेल, ये पेड़ों के ऊपर चढ़ ये कुछ पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं और ये उनसे न्यूट्रिशन और रेडीमेड फूड ले सकते हैं। इनकी पहचान होती है कि ये ट्विंग्स जैसी होती हैं, बहुत येलो टाइप की, एकदम राउंडेड होते हैं ये लोग को, इन्हें हम कह सकते हैं अमर बेल या फिर कैस्क्यूटा, जो रेडीमेड फूड ले लेते हैं। और जिस प्लांट पे लोग चढ़ के फूड अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं, रेडीमेड फूड को लेते हैं, उस प्लांट को भी होस्ट कहा जा सकता है। उन प्लांट को हम कहते हैं होस्ट, जिसके ऊपर वो चढ़ के अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। और यहाँ पे इस पार्ट में अगर हम देखें तो हमारा अमर बेल या कैस्क्यूटा है, हम इसको कह सकते हैं कि ये है पैरासाइट, क्योंकि ये होस्ट के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं और डिपेंडेंट है पूरे न्यूट्रिशन के लिए। सो दूसरे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं,
ये अडेप्टेड हैं पूरे प्लांट्स को कैप्चर, एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। मुझे पता है कि आपको थोड़ा ये अजीब लगा होगा सुन के, क्योंकि इंस्टेड ऑफ होता है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं वो ह्यूमन पे भी जो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। तो इन सबको, ये जो होते हैं, हम कह सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर एक लिड रहता है जो लीफ जैसा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स को ऐसे पकड़ पाते हैं। उन पिचर प्लांट्स के अंदर बहुत टाइनी हेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उस पिचर प्लांट को कि अगर कोई इंसेक्ट, जैसे हम मान के चलते हैं हाउस फ्लाई को, अगर वो उसके ऊपर आके बैठ गया तो वो उसके हेयर से बाहर अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा और उसमें इंटेंगल्ड होके वो सीधा डाइजेस्टिव जूसेस में गिर जाएगा, जहाँ से वो जाके एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके जो हेयर से वजह से वो उसमें गिर जाता है। तो यहाँ पे वो डाइजेस्ट हो गया। तो ये प्लांट्स इसलिए करते हैं, कुछ ये जो प्लांट्स हैं, पिचर प्लांट है, इसको इसलिए करते हैं ताकि उनका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है, वो उसको फुलफिल करता है। क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि जो ग्राउंड होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो डेड एंड डिकिंग मैटर को या फिर कुछ मैटर्स को वो न्यूट्रिशन, जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ही तो अगर किसी एरिया में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स को, जो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन उनको ले लेते हैं। तो मैं भी आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये कैसा पिचर प्लांट एक कैसा दिखता है। ये ब्लैंक स्क्रीन है, 1 मिनट रुके। तो अगर हम देखें तो ये पिचर प्लांट जो होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। अगर हम बात करें उस पिचर प्लांट की, तो मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बना के आपको दिखा सकता हूँ। ये जो है इसे हम कहते हैं लिड, यानी कि ये जो लीव जैसा सब्सटेंस है, यहाँ पे ये जो लीव जैसा सब्सटेंस है, ये है लिड। 1 मिनट रुक जाइए। ये इस प्लांट का लिड है और ये जो है यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो उसको ट्रैप कर लेंगे। यहाँ पे जो छोटे छोटे, यहाँ पे बहुत टाइनी हेयर्स होते हैं जिनको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत छोटे हेयर्स होते हैं, ऐसे बहुत, मैं आपको थोड़े ही दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं जो ऐसे होता है कि अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो इस हेयर में वो इंसेक्ट है वो इस हेयर में जाके फंस जाएगा। यहाँ पे ये इंसेक्ट आके ऐसे फंस जाएगा और वो यहाँ से सीधा नीचे ड्रॉप होगा जहाँ पे बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जहाँ पे जाके ये प्लांट पूरे डाइजेस्ट हो जाएंगे एनिमल्स, और यहाँ से जो प्लांट्स हैं वो एसिमिलेट कर लेंगे इनको और अपने नाइट्रोजन को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे नाइट्रोजन जाएगा और ये प्लांट्स को एनर्जी दे देगा ताकि वो नाइट्रोजन को यूज कर सके यहाँ पे। तो ये बात रही हमारे पिचर प्लांट की, जो है एक इंसेक्टिवोरस, राइट। सो अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे है, गाइज 1 मिनट रुक जाइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सैप्रोट्रॉप्स। सो सैप्रोट्रॉप्स भी एक अलग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें जो होते हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मतलब जो हेटरो, जो सैप्रोट्रॉप से बिलीव कर, जो वहां से डिराइव होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, उन वो बहुत सारे होते हैं, वो फंगाई ही होते हैं। फंगाई जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है वो डेड एंड डिकिंग मैटर से ले लेते हैं अपने न्यू ताकि वो अपने न्यूट्रिशन पा सके वहां से। तो इसलिए वो यूज, तो वो डेड और डिकिंग मैटर पे आ सकते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, उसमें है कि हम एक ब्रेड को लेंगे और उसके ऊपर हम उसको पूरा मॉइस्टन कर देंगे, यानी कि हम उसको पानी से भरेंगे ताकि वो एकदम ब्रेड एकदम मॉइस्टन हो जाए। और अगर हम उसको कुछ 2 या 3 दिन के लिए छोड़ देंगे तो हम बाद में देखेंगे उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा कि उसको बहुत छोटे छोटे बहुत सारे फंगाई आ जाते हैं। जो फंगाई होते हैं वो उसको, वो सड़ जाता है जब हमारा ब्रेड, तो उसके ऊपर आके वो वहां से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है जो है घोस्ट प्लांट। तो ये घोस्ट प्लांट क्या होता है, इन्हें हम कह सकते हैं मोनोट्रोपोनिक फ्लोरा। ये भी ऐसे डेड और डिकिंग मैटर्स पे ग्रो करते हैं ताकि अपने न्यूट्रिशन वहां से पा सके। तो हम आगे देखते हैं, तो यह अनदर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि यह यहाँ पे है सिम्बायोटिक। तो ये सिम्बायोटिक होता है कि रिलेशनशिप इसमें हम देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जिसमें होते हैं फंगाई और एल्गाई सेल्स। ये जो दोनों, ये दोनों फंगाई और एल्गाई सेल्स के रिलेशनशिप को हम लिचेन कहते हैं।
हम इन दोनों जो दो रिलेशनशिप होती है फंगाई और एल्गाई को हम कह सकते हैं लिचेन। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो फंगल हाइफे होता है वो वाटर एंड मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गाई सेल्स को, और इन रिटर्न जो एल्गाई सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं ताकि वो फूड दे सके फंगाई को। और एक ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है माइकोरहाइजा, जो जो प्लांट्स होते हैं वो होता है कि वो फंगल जो फंगस होता है वो प्लांट के रूट्स में चला जाता है और वहाँ से वो कुछ न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्लांट को देता है, इन रिटर्न प्लांट उसको फूड बना के दे देता है। सो हम अगर देखें लिसन को एकदम ब्रीफ में, लिसन कैसे होते हैं, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं बहुत सारे हमें वायरी सब्सटेंस जैसे दिख रहे होंगे, आपको भी ये वायरी सब्सटेंस हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे, ये वायरी सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब वायरी सब्सटेंस आपको दिख रहे होंगे जो वायर जैसे हैं, कुछ कुछ लगभग वायर जैसे दिख रहे हैं। सो ये सब है एल्गा से सॉरी ये सब है फंगल हाइफे, यानी कि जैसे हमारे रूफ टॉप्स होते हैं वैसे यहाँ पे जो हमें दिख सकते हैं डार्क डार्क सेल्स हमें दिख रहे हैं, इन्हें हम कह सकते हैं एल्गा सेल्स। ये डार्क जो होते हैं एकदम डार्क हैं, ये एल्गा सेल्स हैं जो फंगल हाइफे पे प्रोटेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, और ये फोटोसिंथेसिस करके फंगल हाइफे को पूरी न्यूट्रिशन दे रहे हैं। सो यहाँ तक हमारी बात रहेगी प्रीवियस लाइफ की, मतलब प्रीवियस क्लास की जो हमने बात किया था, ये उसमें हमने इतना डिस्कस भी किया था। सो हम अगले आते हैं सेल्स के बारे में, उसमें हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था लेकिन इतने ब्रीफ में नहीं पढ़ा था जितना मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप सेल के वैसे डायग्राम देख रहे होंगे, बहुत मैंने आपको दो सेल्स के डायग्राम दिखाए हैं यहाँ पे, कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में, जो कि है एनिमल सेल है एक जगह पे और एक जगह पे आपको दिख रहा होगा प्लांट सेल है। सो इन दोनों में बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉमन भी हैं, जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो प्लांट्स में भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म हमें दिख रहा होगा, ये जेली जैसे सब्सटेंस है जो है यहाँ पे, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे न्यूक्लियस हमें दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस, ये पार्ट न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी यही हमें स्फेरिकल चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है न्यूक्लियस जो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रियन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेनली, आप इस टर्म को याद करके रखिए, क्लोरोप्लास्ट मेनली प्लांट सेल्स में ही होता है, जिनके बारे में हम अपने इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स हैं एनिमल, हमारे एनिमल सेल में, जो कि इसमें नहीं होते हैं। यहाँ पे सेल्यूलोस सेल वॉल भी होता है जो एक नॉन लिविंग मैटर है प्लांट के सेल में, नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिविंग मैटर है जो प्लांट सेल में भी है और हमारे सेल हमारे ह्यूमन सेल में भी है। देख जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो हम इनके सबके बारे में आइए हम एकदम ब्रीफली पढ़ रहे हैं। तो पहले हम हमारे मेन चैप्टर प्लांट्स का है, तो हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट सेल्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे प्लांट सेल्स के बारे में आप देख सकते होगे, मैंने आपको जैसे आपको बताया था बहुत ही कॉमन और अनकॉमन चीज है। तो यहाँ पे प्लांट सेल में होता है कि एक प्लांट सेल जो होता है उसमें एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम कह सकते हैं सेल वॉल, और जो ये सेल वॉल होती है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है एक प्लांट सेल के अंदर। लेकिन अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन, वो एक लिविंग है, लिविंग मैटर है उसमें। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्लांट्स मूव तो कर नहीं सकते हैं ना, और ह्यूमंस जो यहाँ पे ह्यूमंस एनिमल्स हम मूव कर सकते हैं एक से दूसरे प्लेस पे शेल्टर के लिए, लेकिन प्लांट्स जो है वो एक दूसरे प्लेस पे शेल्टर के लिए मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनके सेल के जो टिश्यूज होते हैं उन पर वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हम यहाँ इसलिए प्लांट्स में एक एडिशनल जो एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो आइए हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और ब्रीफली जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो एक लिविंग मैटर है कैसे उसे न्यूट्रिशन आते जाते हैं। सो हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम में, गाइस ये है सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बहुत सारे यहाँ पे आप चीजें देख रहे होगे, जैसे कि ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट चेन, ये कार्बोहाइड्रेट चेन है ऐसे यहाँ पे, जैसे सेकेंड कार्बोहाइड्रेट का चेन मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है। यहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल देख सकते होगे, ये कोलेस्ट्रॉल का चैनल है इसमें, और नेक्स्ट है प्रोटीन का, ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे हैं, और ये इनमें का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन चैनल। और ये प्रोटीन चैनल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है बहुत ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं लिपिड लेयर भी,
ये लिपिड लेयर होती है कि ये दो चीजों को कंबाइन करके रखती है, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे हम छोटी सी ऐसे डिवीजन जैसी देख सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच में ये इन दोनों को कंबाइन करके रखती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऐसे लिपिड लेयर, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऊपर नीचे हर एक चैनल से फूड ताकि सेल के अंदर पास हो सके। तो यहाँ पे हर एक का काम होता है, मैं आपको दे सकता हूँ कि यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन प्रोटीन्स का काम होता है कि जो भी प्लांट्स फूड बनाते हैं उनके सेल्स तक पहुँचे, तो जो मेन उसमें प्रोटीन होता है, जो उस प्लांट में प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, इस पार्ट में आके स्टोर हो जा रहा है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्लांट का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो इस पार्ट में आके स्टोर हो जाता है, इन इन पार्ट्स में आके कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो गया। और हमारे कोलेस्ट्रॉल फैट जो होता है वो भी एक एनर्जी है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। और अगर हम बात करें लिपिड लेयर की, तो लिपिड लेयर इन दोनों को कंबाइन करके रखती है ताकि ये एनर्जी मिस आउट करके कहीं और जगह पे ना जाए। और यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं प्रोटीन चैनल। तो भाई ये जो होते हैं यहाँ पे हमारे ये प्रोटीन चैनल, ये और ये भी, ये सब यहाँ पे प्रोटीन चैनल में आते हैं ताकि, और ये जो प्रोटीन चैनल होता है ये सेमी परमिएबल होता है, जहाँ से ये सब जहाँ पे यहाँ से ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट सीधा प्लांट में जाती है। तो अगर हम देखें कि अगर ये प्लांट का एक सेल है ऐसे ही कंटिन्यूड है तो ऐसा होगा कुछ। मैं बहुत अच्छे से ब्रीफली यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ अब, लेकिन फिर भी देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे, अभी जो ये पूरी पार्ट है यहाँ पे, अभी यहाँ पे जाके एंटर हो जा रहा है, यहाँ पे ये पार्ट जाके एंटर हो जा रहा है सेल में, मेन सेल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत अलग पार्ट भी होते हैं सेल के, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सेल के अलग पार्ट होते हैं। तो जो यहाँ पे जो मेन अपना फूड जो होता है, जो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से आ रहा है, वो साइटोप्लाज्म में आता है और यहाँ से हर एक जगह पे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। वो ट्रांसपोर्टेशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे मेन अभी साइटोप्लाज्म के मतलब इसके बारे में पढ़ लिया था हमने सेल के बारे में अभी। तो हम अभी नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम एंटर कर चुके हैं कि हर एक, अब मैं आपको लेयर एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेल की। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे है हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा है साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म होती है यहाँ पे एक रेड जेली लाइक, आप यहाँ पे व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस देख सकते हैं, ये जो एक्सेप्ट आप यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो ब्लू पर्पल कलर ये सबको छोड़कर, ये जो फुल आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये सब फुल एक साइट ये फुल साइटोप्लाज्म है, जो जिसके फीचर्स यहाँ पे हैं, जैसे ये होता है कि प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो जो प्लांट के जो भी वर्क होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सो इसमें क्या होता है कि ये एक साइट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म का, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। ये होता है ये है साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म में क्या होता है। सो आगे देखते हैं, ये है एक ह्यूमन सेल है, ये बेसिकली ह्यूमन सेल है, यहाँ पे आप बहुत सारे पार्ट्स देख सकते होंगे, यहाँ पे एक सेल के बहुत पार्ट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रियन, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोस वैक्यूल माइक्रोट्यूबल्स राइबोसोम्स हैं यहाँ पे, लाइजोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, गॉल्जी अपैरेटस, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आखिरी में है हमारा न्यूक्लियस। सो गाइस न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट होता है, ब्रेन ऑफ अ सेल भी कहते हैं हम न्यूक्लियस को। सो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे भी ये साइटोप्लाज्म के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो उसको सराउंड करके रखते हैं, और इवन वो न्यूक्लियस को भी सराउंड करके रखते हैं। साइटोप्लाज्म वो बहुत पानी कार्बोहाइड्रेट लिपिड लेयर मिनरल सॉल्ट से बना होता है, और ये जो होता है ये न्यूक्लियस अपना कंट्रोल सेंटर होता है, जो एक स्ट्रक्चर स्फेरिकल शेप में होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कवर करता है, जिसको जो साइटोप्लाज्म के साइट जो साइटोप्लाज्म के इन बिटवीन रहता है, जो साइटोप्लाज्म में रहता है। तो अगर हम आगे देखते हैं तो अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि आप क्लोरोप्लास्ट को एकदम अच्छे से याद करके रखें उस टर्म को, तो
सो हम यहाँ पे उसका ही फायदा लेने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इक्वेशन वुड बी रिटन एज, सो क्लोरोफिल जो लीव होता है वो टैप करता है सोलर एनर्जी को फूड बनाने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट में सिचुएटेड होता है। तो अगर हम आगे देखें कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। यहाँ पे ये फुल एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है जो मैंने इंसर्ट किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है ग्रेनम्स, थाइलाकॉइड, लैमेला, ल्यूमेन है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेन मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। सो बेसिकली ये जो हम लोग का क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल लेयर होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होता है। तो ये खाली एक स्पेस है जिसको हम मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। सो जो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन है ये दोनों है हमारे डबल मेम्ब्रेन के पार्ट है, ये हमारे डबल मेम्ब्रेन पार्ट। और ये है स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा जो यहाँ पे बहुत ये पीछे है जिसके ऊपर हमारे थाइलाकॉइड्स हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म था। तो ये एक्वियस फ्लूइड है जो वही सेम चीज़ों से बना है जिससे हमारा साइटोप्लाज्म बना था। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन थाइलाकॉइड के इनसाइड का पार्ट है। और ये है लैमेला जो बहुत सारे ग्रेनम यानी कि थाइलाकॉइड की जो कॉम्बिनेशन होती है इन सबको मिला हुआ है ताकि यहाँ से जो फूड हो वो एक जगह से ट्रांसपोर्ट हो सके ईजीली। और थाइलाकॉइड हम बात करते हैं, व्हाट इज थाइलाकॉइड, मैंने आपको थाइलाकॉइड बता दिया, इनसाइड थाइलाकॉइड लैमेला थाइलाकॉइड को ज्वाइन करती है, लेकिन थाइलाकॉइड क्या है? तो थाइलाकॉइड जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट्स इनके ऊपर ही होते हैं। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ऐसे बहुत छोटे ग्रीन पिगमेंट्स भी होते हैं जो मेन, ये इन्हें हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, जहाँ पे ये सनलाइट को ऐसे जो सनलाइट आती है सन से इन सबको स्टोर करने लगते हैं और फूड बनाते हैं। तो ये सब जब फूड बनाते हैं तो ये प्लांट सेल्स में जाके डिवाइड होने लगता है अलग अलग जगहों पर। सो ग्रेनम जैसे थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन होती है थाइलाकॉइड को उसे हम ग्रेनम कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट। मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स भी होते हैं। स्ट्रोमा जो होती है वो बहुत वो फ्लूइड से भरी होती है जिसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहे रहते हैं। स्ट्रोमा एक इंटरनल प्लेस भी है जहाँ पे फूड और शुगर बनते हैं रॉ मटेरियल्स के द्वारा। सो अब तक हमने बात कर ली क्लोरोप्लास्ट तक, अब हम देखते हैं कि ऑब्टेनिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस तो कैसे होता है। यहाँ पे होता है कि CO2 जो होता है और बाकी के रॉ मटेरियल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर चले जाते हैं ऑन द ओपनिंग ऑफ लीफ विच इज कॉल्ड स्टोमेटा। फिर यहाँ पे एक ट्री का मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर के पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे सनलाइट जो है वो लीफ पे आई, ऐसे सनलाइट लीफ पे आ गए तो यहाँ पे जो लीव है वो अपना मतलब वो अपने क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो फूड बना सकते हैं यहाँ पे। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं सिंथेसाइज वो सब अंदर जा रहे हैं यहाँ से रूट्स के द्वारा जो यहाँ पे जाइलम प्लांट के स्टेम्स की वजह से लीव तक पहुँच रहे हैं, जो यहाँ से अलग पार्ट्स ऑफ लीव से यहाँ पे पहुँच रहे हैं ताकि जो प्लांट है वो अपना खुद का खाना बना सके। तो यहाँ पे आके जो फूड है वो बन जाता है जब, तो ये फूड पूरे प्लांट्स में ऐसे प्रोसेस हो जाता है ताकि पूरे प्लांट अपने न्यूट्रिशन को रख सके, पूरी न्यूट्रिशन बना सके ताकि प्लांट की वो ग्रोथ में उसका हेल्प कर देगा। सो अगर हम बात करते हैं पार्ट्स और फंक्शन सेल की, तो मैंने आपको पहले आपको जो सेल का डायग्राम दिखाया था जो मैंने बनाया था जिसमें मैंने गॉल्जी अपैरेटस लाइसोसोम सबके बारे में आपको दिखाया भी था। सो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि सेल जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये बहुत एडवांस टाइप के सेल्स होते हैं। सो इनके अंदर होते हैं गॉल्जी बॉडीज और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो हेल्प करते हैं मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स। लाइसोसोम एक केमिकल से भरा हुआ होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन एंड रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में जो हेल्प करता है एनर्जी के लिए ऑल द ऑर्गेनल्स इन अ सेल, हर एक ऑर्गेनल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइबोसोम्स होते हैं जो फूड को प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। वैक्यूल होता है वो फूड को स्टोर कर लेता है। और न्यूक्लियस लाइक अ ब्रेन होता है इन सेल में। सो ये बात ये रही हमारे सेल्स के बारे में, मैंने आपको पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन किया। सो अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट करिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे वीडियोज़ भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।